ये रूट आपका सतपुली सार है और ये नीचे आपका जो है ये सतपुली मार्केट है। ये आपका सतपुली मार्केट है और ये जो ऊपर से आपकी रोड आ रही है इसको मैला सतपुली कहते हैं और उसके ऊपर आपका गुमखाल का जो पहाड़ी है गुमखाल की है, जहाँ पे आपको यहाँ बादल दिख रहे हैं। ऊपर आपका भैरोगढ़ी भी है और आगे इस पहाड़ी के ये जो नई पहाड़ी है इसके पीछे आपका गुमखाल है। ये और ये रूट आपका आगे एकेश्वर को जाता है। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओढ़ के सुनाए मीठे मीठे। देखिए दोस्तों, हम और आगे आ चुके हैं और ये सिरकोट खाल से थोड़ा सा पहले यहाँ पे काफ़ी मात्रा में सोलर पैनल लग गए हैं। आज से 3-4 साल पहले ये पैनल नहीं थे, पूरे आप देख सकते हैं यहाँ से पूरे सोलर पैनल है। नीचे जो नीचे से रोड जाती है वो रीठा खाल को जाती है और उस रोड से भी पूरे नीचे सोलर पैनल लग चुके हैं और आगे जो है आपका क्रेशर है। लग रहा है कि जैसे कोई गांव होगा, काफ़ी साल पहले वहाँ पे एक क्रेशर खुला था जिसमें रेत बजरी तैयार होती थी वहाँ पे। और यहाँ से आगे आपको ये दिख रहा है आगे दुदार खाल जो मार्केट है उधर का व्यू है और इधर ये जो रोड आपको दिख रही है नीचे ये रीठा खाल को जाती है और ये रोड जो जाती है ये एकेश्वर को जाती है। यहाँ से लगभग सिरकोट खाल 1.5 से 2 किलोमीटर दूरी पर है और इससे आगे मैं आपको अपना गांव भी दिखाऊंगा। ऊपर से बहुत ही प्यारा व्यू दिखता है। ये जो रोड है सबसे पहले यही रोड बनी थी आज से 25-30 साल पहले। तो ब्लॉग पे बने डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। दोस्तों, मैं इस रूट से आया और ये नीचे यहाँ से मेरा गांव दिखता है। ये मेरा गांव है जिसका नाम चमडल है। ये यही मैं पैदा हुआ था, अर्थात ये मेरी जन्मभूमि है। और इस गांव के ऊपर जो मेरा गांव है इसके ऊपर यहाँ पे पड़ता है गोल्ली गांव। ये इधर का सबसे बड़ा गांव है और यहाँ की रामलीला फेमस है। और यहाँ पे हमारा एक मंदिर भी है, ऊपर गांव का मंदिर है, बेताल देवता का मंदिर, काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। और जो ये हमारा गांव है इसके नीचे से रोड जाती है रीठा खाल संगला कोटी पोखड़ा के लिए और यहीं पर ज्वालपा देवी का एक फेमस मंदिर है, काफ़ी पुराना है। उधर गादई नाम का गांव पड़ता है, गादई कैर्द, वहाँ पे गांव के नाम इसी प्रकार के होते हैं। और ये ऊपर आपका गोरली गांव है, अब तो यहाँ से भी रोड जा चुकी है और अभी हमारे गाँव से भी रोड प्रस्तावित है जो गांव के बीच से जाएगी। और ये आगे आप देख रहे हो ये सिरकोट खाल है, उसके बाद आएगा आपका सिमार खाल, फिर एकेश्वर आएगा, फिर आएगा आपका पणखेत जो हमारे ब्लॉक है और आगे आएगा नौगांव खाल। और यहाँ पे कुछ रुकने का बना है, शायद पहले नहीं था, मतलब ये ऐसी रोड है यहाँ से पहाड़ी के बिल्कुल टॉप में है दोनों साइड का। उस साइड को आपकी पौड़ी की पहाड़ियाँ हैं और इस साइड को आपकी इधर पोखड़ा साइड की पहाड़ियाँ हैं और व्यू तो बहुत ही औसम है। बादल लगे हुए हैं आप देख सकते हैं, आगे भी मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ पे भी टाइम मिलेगा।
रास्ते का व्यू नहीं बना सकता क्योंकि मोबाइल में और स्कूटी के साथ में पॉसिबल नहीं है। समले के जानू न वेयू अपाणू बिराणू चा न बाटू बताणू न समले के जानू न वेयू अपाणू बिराणू चा दादी की भुक्की न माजी को हैसणु हैसाणु रोत्या
गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोर पिजोर मेरे पहाड़ को, हो पिजोर पिजोर मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। डाली डाली फूलों की। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज मैंने जो भी आपको आज का ये सफर दिखाया काफी अच्छा लगा होगा। और काफी टाइम से मेरे व्लॉग नहीं आए हैं और अभी काफी टाइम तक शायद ना आए, तो तब तक मैंने एक नया पोर्शन अपने व्लॉगिंग चैनल में शुरू किया है जिसमें जॉब से रिगार्डिंग जो न्यूज रहती है या डेली न्यूज जो भी न्यूज आप तक, कई बार ऐसा होता है कि कई न्यूज मुझ तक भी नहीं पहुंच पाती है, तो मुझे लगा कि क्यों ना चैनल को कंटिन्यू रखा जाए और इस पर कुछ ऐसी चीज़ें डाली जाए जो कि किसी ना किसी के काम आए। तो कुछ समय तक आपको वही देखने को मिलेगी, बल्कि जब मैं व्लॉगिंग स्टार्ट कर भी दूंगा या जब मैं व्लॉगिंग स्टार्ट कर भी दूंगा तब भी वो पोर्शन हमेशा रहेगा, क्योंकि वो बहुत ही अहम हिस्सा लगा मुझे।